तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मी यू आई 14 के न्यू अपडेट्स शाओमी के डिवाइसेस में रेडमी नोट सीरीज़, रेडमी सीरीज़, शाओमी 14 सीरीज़, मेरा मतलब शाओमी सीरीज़ इन में रोलिंग आउट होने शर्ट हो चुके हैं। कौन कौन से मी यू आई के बिल्ड्स में रिलीज़ हुई हैं, इस वाली वीडियो में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर आप ये वाली मी यू आई विजिट्स को अपने शाओमी डिवाइसेस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा कर के चेकआउट कर लेना। तो इसी के साथ यहाँ पे रेडमी नोट 11S 5G में 14.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ MI पायलट से पब्लिक में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे रेडमी 10C में 14.0.2.0 TW स्टेबल अपडेट मी डायलर के साथ अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ रिलीज़ हो चुका है। सो अगर आप यहाँ पे इंडिया रूम रेडमी 10 पावर में यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली रूम को रीनेम टिक 2.2 से ईजिली फ्लैश कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पे रेडमी 10A जो रेडमी 9A का रीब्रांडेड डिवाइस है, इसके लिए मी यू आई 12.5 ना कि मी यू आई 14, मी यू आई 12.5.16.0 इंडिया स्टेबल अपडेट लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाता है, रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ रेडमी नोट 12 प्रो प्रो प्लस में 14.0.2.0 रशिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए, रेडमी 10C के लिए रशिया स्टेबल अपडेट 14.0.3.0 अक्टूबर पैच बेटा टेस्टर्स के लिए, रेडमी नोट 12 4G NFC के लिए 14.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे रेडमी नोट 12 4G NFC 14.0.8.0 रशिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए 14.0.4.0 TGB EU XM यूरोप स्टेबल अपडेट पोको M4 प्रो 5G पोको F4 GT के लिए 14.0.7.0 यूरोप स्टेबल अपडेट। सो ये सारे स्टेबल अपडेट्स हमारे रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और पोको X5 प्रो में 14.0.5.0 अक्टूबर पैच ग्लोबल स्टेबल अपडेट। सो यहाँ पे ये सारे स्टेबल अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप कौन से MIUI डिवाइसेस के लिए स्टेबल अपडेट्स लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ वेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, तब भी उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।